हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और गुड मॉर्निंग डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम यू आर सीइंग द लेक्चर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल सीए, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, इस टॉपिक को मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहा फाइनल सी एग्जाम के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसकी एक वजह है, अलग सी वजह है, ध्यान से सुन लीजिए। ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए क्या है वो समझना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद हम इस टॉपिक की डिटेल्स में जाएंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस, सबसे पहले आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में और इन अदर वर्ड्स अकाउंट्स के पेपर में ये टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता तो होगा ही कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं क्या उसका अंदाजा है आपको? कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? जनरली 36 मार्क्स से लेकर 64 मार्क्स तक इस एक टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं फाइनल सी एग्जाम्स में। अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो तो अभी जो लास्ट फाइनल सी एग्जाम हुई नवंबर 15 एग्जाम, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में 52 मार्क्स के क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉपिक पे थे। सो नॉर्मली फाइनल सी ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर किस तरह का होता है, उसमें 36 से 64 मार्क्स के क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि बाकी के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे होते हैं, तो जनरली इस तरह से होगा। मान लो 100 मार्क का पेपर है, ये मैं एक्सक्लूडिंग ऑप्शंस बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑप्शंस 116 मार्क होता है। कैसे होता है पेपर का फॉर्मेट? एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क का, जो लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअसली एक ही टॉपिक पे आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, एंड उसके बाद 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। वो 6 के 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से टॉपिक पे होते हैं? अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कंपलसरी क्वेश्चन जो 20 मार्क का है वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आता है, प्लस ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है उसमें भी क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आते हैं, प्लस दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। तो ये कौन से दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, ये आपको समझने की जरूरत है। मान लो मैंने बोला 64 का क्वेश्चंस कभी कभी आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तो बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के कितने मार्क्स बच गए? 36 मार्क्स बच गए। ये बाकी के 36 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली कौन से टॉपिक्स पे हो सकते हैं? मेनली तीन पॉपुलर टॉपिक्स है, एक है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, दूसरा है अमेलगमेशन, एंड तीसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स। अगर फाइनल सी ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर देखा जाए तो उसमें चार मेन टॉपिक्स है, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आता है, एंड उसके अलावा तीन मेन टॉपिक्स हो जाते हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, अमेलगमेशन, एंड लास्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जनरली 100 मार्क में से 36 से 64 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बैलेंस मार्क्स आते हैं इन तीन चैप्टर्स पे, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, अमेलगमेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स। नाउ मार्क्स वाइज तो इंपॉर्टेंस पता चला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉपिक का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर में। आपको एक और चीज समझने की जरूरत है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस खाली अकाउंट्स के पेपर में आएंगे फाइनल सीए में? नहीं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जनरली 16 मार्क्स तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं फाइनल सीए में इन योर ऑडिट पेपर ऑल्सो। दैट मीन्स अगर आप मान लो कि यहां पे मैक्सिमम मार्क्स के लिए आ गया 64 मार्क्स के लिए, एंड 16 मार्क के लिए आपके ऑडिट पेपर में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चंस आ गए, मतलब टोटल कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हो गए? 80 मार्क के क्वेश्चंस इस एक टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, 80 मार्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आउट ऑफ टोटल 800 मार्क्स ऑफ फाइनल सीए, 80 आउट ऑफ 800, 1/10 ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ फाइनल सीए विल जनरली कम ऑन दिस वन टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं
अकाउंट्स के पेपर में या अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कोई और टॉपिक इस टॉपिक जितना इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर सारे सब्जेक्ट्स पुट टूगेदर फाइनल सीए में कोई और टॉपिक इतना वैल्यूएबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स फॉर अ फाइनल सीए स्टूडेंट, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपकी कोई भी इंप्रेशन हो, मतलब यू लव इट और यू हेट इट, लेकिन ये टॉपिक को इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इग्नोर किया तो आप बहुत रिस्की टेरिटरी में पहुंच जाते हो, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर पहला ही पेपर होता है। अगर ये टॉपिक को इग्नोर करके गए फाइनल सी एग्जाम देने तो कभी कभी पहला पेपर आखिरी पेपर भी बन जाते हैं, बराबर है। सो ये तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंपॉर्टेंस बताया एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, सो दैट इस पूरे टॉपिक पे यू कैन कॉन्सेंट्रेट कीपिंग इन माइंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, बराबर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात शुरू करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का इंप्रेशन होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, थियोरेटिकल है, ये सारे इंप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में इस टॉपिक के बारे में, एंड 90% ऑफ दीज इंप्रेशंस मेरे हिसाब से गलत होते हैं। लेकिन स्टूडेंट के माइंड में ये इंप्रेशन होता क्यों है, उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये टॉपिक का बेसिक्स उनके माइंड में स्ट्रांग नहीं होता है, एंड इस वजह से जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जाते हैं स्टूडेंट्स को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी कभी टफ लगते हैं। क्यों टफ लगते हैं? क्योंकि उनका बेस वीक होता है, एंड देयरफॉर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टफ वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे पहुंचे उसके पहले बेसिक्स स्ट्रांग करेंगे, एंड देयरफॉर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे डिस्कशन चालू करने के पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक्स। ये बेसिक स्ट्रांग होंगे तो ही जब एडवांस पार्ट में जाएंगे आप कोरिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि ये चीज क्यों कही जा रही है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। किसी भी चीज के किसी भी टॉपिक का एडवांस पार्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता आपका अगर आपका उस टॉपिक का बेस वीक है, बराबर है। दैट मींस जब मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, फ्रेश टॉपिक है, आपकी लाइफ में पहली बार आ रहा है, उस हिसाब से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बराबर है। ओके, तो अगर फ्रेश टॉपिक है एंड आपको इस बारे में मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही बन जाता है, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमने मान के चला हमें पता ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी अगर मैं आपको पूछता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आंसर देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब पॉलिसीज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। अब ये सारे आंसर एक तरह से करेक्ट है, लेकिन ये सब तो टेक्निकल वर्ड्स में आंसर हो गए। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा इस आंसर से समझ में नहीं आते अपने को व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो इंजीनियरिंग कर रहे, उसको पता है कि तुम सीए कर रहे हो, उसने तुमको पूछ लिया व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड मान लो तुमने उसको ये जवाब दिया पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, तो क्या आपसे जवाब सुन के उसे मालूम पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स में रिस्पॉन्स है, अपने को बेसिक से सीखना है एंड देयरफॉर हमें सिंपल आंसर सिंपल वर्ड्स में सुनना है। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का सबसे सिंपल एंड सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, एंड ऐसा आंसर जो सुन के आपको पहले थोड़ा फनी भी लगेगा कि ये कैसा आंसर दे दिया क्वेश्चन का, वो ये है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आंसर मेरे हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? नथिंग बट स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे सर इसमें आपने आंसर क्या दिया, खाली वर्ड्स आपने उल्टे कर दिए। लेकिन वर्ड्स तो उल्टे किए मैंने, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स है उनका अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है ये समझना जरूरी है। मैंने बोला व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आंसर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग।
तो सबसे पहले हमें समझना है वर्ड स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, या फिर रियल लाइफ में हम ये वर्ड स्टैंडर्ड को कहां पे यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अगर कोई तुमको कहता है कि ये 100 ग्राम पैकेट है, स्टैंडर्ड 100 ग्राम पैकेट है अमूल बटर का, आई रिपीट, स्टैंडर्ड 100 ग्राम पैकेट है अमूल बटर का, तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में कौन सी चीजें आने लगती है, स्टैंडर्ड 100 ग्राम पैकेट ऑफ अमूल बटर मतलब ऑल पैकेट्स ऑफ अमूल बटर विल हैव द सेम शेप साइज टेस्ट कलर वेट एक्सेट्रा, दैट मीन्स दे विल बी आइडेंटिकल इन ऑल मैनर्स। बराबर है, इन द सेम वे जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पे भी वर्ड स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजिंग पैकेट्स ऑफ बटर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्लियर है? सो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आंसर रिपीट करता हूँ फिर पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड, इट मीन्स टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, देन व्हाट इज अकाउंटिंग। अगर मैं तुमको पूछता हूँ व्हाट इज अकाउंटिंग, तो इंस्टेंटली तुम्हारे माइंड में कौन सी चीजें आने लगी, थिंग्स लाइक जर्नल एंट्रीज, लेजर, पीएनएल, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। बराबर है, अब ये सारे आंसर्स वैसे तो बराबर है, लेकिन जहां तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सवाल है, ये अकाउंटिंग वर्ड का भी एक स्पेशल मतलब होता है। क्या मतलब होता है एक ध्यान दो। मैंने कहा व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपना आंसर क्या था, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। बराबर, स्टैंडर्ड का मतलब मैंने समझाया क्या आपको, इट मीन्स टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। बराबर है, अभी हमें अकाउंटिंग का मतलब समझना है, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। स्टैंडर्ड्स कहते हैं अकाउंटिंग मतलब पांच चीजें आएगी उसमें, कौन सी पांच चीजें, ध्यान से। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा प्रेजेंटेशन एंड पांचवा डिस्क्लोजर्स। मैं रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड कहते हैं जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में पांच चीजें आती है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी चीज की, हम इन पांच चीजों का ध्यान रखते हैं। चेक कर लेते हैं क्या हम एक्चुअली इन चीजों का ध्यान रखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, एक चीज के बारे में जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं अज्यूम करता हूं। एग्जांपल, जब हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या स्टेप्स लेते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, देयर इज वेयर एंड टेयर एंड देयरफॉर देयर इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट को क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो आपने रिकॉग्नाइज किया दैट द एसेट इज लूजिंग वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे आप, वेरी सिंपल, आप मेजर करने की ट्राई करोगे हाउ मच इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। बराबर है, तो मान लो आपने जब एस्टिमेट किया, आपको लगा कि ये एसेट को अगर हम इसी तरह से यूज करते रहे तो इस साल यूज कर पाएंगे एंड इस साल के बाद अनदर फोर इयर्स, मतलब टोटल फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव इयर्स। तो आपने कंक्लूजन किया, क्या कंक्लूजन, कि अगर ये एसेट पांच साल चल सकता है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हर साल ये एसेट की वैल्यू 20% से घट रही है। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज किया दैट दिस एसेट इज लूजिंग 20% वैल्यू एवरी ईयर। फिर आपने मेजर किया हाउ मच इज द लॉस इन द वैल्यू एवरी ईयर, 20%। बराबर है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप वो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट दोगे। सो डेप्रिसिएशन की नॉर्मली ट्रीटमेंट होती क्या है, बहुत सिंपल है, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ट्रीटमेंट आप दोगे फॉर ईच एंड एवरी फिक्स्ड एसेट दैट यू हैव। बराबर है, ओके।
ट्रीटमेंट के बाद क्वेश्चन आता है प्रेजेंटेशन का. सो वेयर एंड हाउ इज डेप्रिसिएशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे दिखाया जाता है? वेरी सिंपल, जनरली एक सिंगल नंबर होता है एज अ डेबिट टू द पीएनएल. ये सिंगल नंबर क्या होता है? सिंपल, इट इज टोटल ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स दैट यू हैव गिवन. एंड लास्टली क्वेश्चन आता है डिस्क्लोजर्स का. तो डेप्रिसिएशन की डिटेल्स कहां पे डिस्क्लोज की जाती है, मतलब नॉर्मली कंपनी ऐसा सेंटेंस कहां पे लिखेगी कि प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन डेप्रिशिएटेड एट 15% WDV. ऐसा सेंटेंस जनरली कहां पे लिखा जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में. दैट मींस व्हेन यू डू अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन डू यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एरियाज? यस, बराबर है. तो मैं मेन क्वेश्चन पे चले जाता हूं फिर से. व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग. What is the meaning of the word standard? It means to make things identical. What is the meaning of the word accounting? These five things. And therefore, accounting standards kya karenge? Very simple. They will ensure that, apne example ke mutabik, they will ensure that, agar do company ke paas fixed asset hai, jiske upar, wo dono companies ko depreciation provide karna hai, to accounting standards ensure karenge, ki wo dono companies, ये पांचों एक्टिविटी आइडेंटिकली करे. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर दोनों कंपनीज ये पांचों चीजें एक ही तरीके से करेगी, देन ऑटोमेटिकली देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी कंपेरेबल, और इन अदर वर्ड्स टेक्निकल लैंग्वेज में वी कैन से देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. एवरीबडी, ये पहला बेसिक क्वेश्चन क्लियर है आपके माइंड में? सो समरी, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? Standards of accounting. What is the meaning of the word standard? It means to make things identical. What is the meaning of the word accounting? Accounting means recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure. So accounting standards kya ensure karenge? Accounting standards ensure karenge ki companies ye panch activities kisi bhi cheez se related ek hi tarike se kare. And automatically agar sari companies अकाउंटिंग एक ही तरीके से करेगी, देन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी स्टैंडर्डाइज्ड. क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट बेसिक पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो तो समझ में आया. नेक्स्ट बेसिक पार्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और पर्पस और एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फायदा क्या है? दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, अब ध्यान दीजिए यहां पे. पहला फायदा, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, देन इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड दूसरा, इट विल हेल्प इन कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. मैं रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है. कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? बोलते हैं अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, एंड दूसरा आप कंपेरिजन कर पाओगे परफॉर्मेंस का. तो पहले फोकस करता हूं मैं अंडरस्टैंडिंग पे. अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बेटर हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं टू चेक अंडरस्टैंडिंग कैसे बेटर होगी. लेट्स से कोई आपको एक बैलेंस शीट देता है एक कंपनी की, मान लो टाटा मोटर्स की, एंड वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको दिखता है क्लोजिंग स्टॉक आइटम, एंड क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने दिखाया है दो नैनो कार, एंड अमाउंट कॉलम में दिखाया है 1,60,000. मैं रिपीट करता हूं, किसकी बैलेंस शीट है? टाटा मोटर्स की. एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें क्या दिखाया है? दो नैनो कार. अमाउंट कॉलम में कितना लिखा है? 1,60,000. अभी आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि नैनो कार बिकेगी 1,00,000 रुपीज पर कार पे, एंड स्टॉक में दो कार है. तो अगर 1,00,000 पर कार में, 1,00,000 पर कार इज द प्राइस एंड स्टॉक में दो कार है, तो अमाउंट कॉलम में 2,00,000 होना चाहिए था, लेकिन अमाउंट कॉलम में अपने एग्जाम्पल में कितना है? 1,60,000. सो टेल मी, क्या आपको पता चला अपने एग्जाम्पल में ये 1,60,000 क्या है, एंड ये 2,00,000 पे क्यों नहीं दिख रही है? हाँ, आपको पता चला. क्या है ये 1,60,000? कॉस्ट है,
एंड आपके माइंड में इंस्टेंटली क्या आया, क्योंकि ये कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है, उन्होंने कैसे वैल्यू किया है इसको, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। लेकिन लेकिन आपको ये चीज समझ में क्यों आई, आपको ये समझ में आई बिकॉज ये स्टॉक के वैल्यूएशन के पीछे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। मैं कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, AS2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एंड क्योंकि आपको AS2 ऑलरेडी पता है, यू कुड अंडरस्टैंड दैट नंबर 1,60,000 एंड यू डिड नॉट गेट दैट डाउट कि ये 2,00,000 क्यों नहीं है। लेकिन मान लो कोई इंजीनियर है, उसके हाथ में आती है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट जिसकी हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स, एंड वो देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 2 नैनो कार अमाउंट 1,60,000, उसको AS2 नहीं आता है, तो उसके माइंड में पहला कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो फ्रॉड लगता है, कोई तो 40,000 घर लेके गया। अरे हेलो, तो वो क्यों समझ नहीं पा रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंजीनियर, क्योंकि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते नहीं है। एंड आप क्यों समझ पाए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है विच हैज गॉन इन टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एवरीबडी इज दिस क्लियर, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज अगर आपको हो तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, वो कहते हैं कि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता हो तो आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। अभी जब मैं बोलता हूं कंपैरिजन पॉसिबल है, यहां पे भी दो कैटेगरीज है, कौन सी दो कैटेगरीज, पहला कंपैरिजन विद सेल्फ, मतलब खुद का इस साल का परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हो खुद के पिछले साल के परफॉर्मेंस के साथ, एंड दूसरा कंपैरिजन इज विद अदर्स, मतलब मान लो दो कंपनीज है, आपकी कंपनी एंड कोई और कंपनी, दोनों सेम बिजनेस करती है। अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मालूम है, आपको पता चलता है कि आपने कौन से फॉलो किए, आपको पता चलता है दूसरी कंपनी ने कौन से फॉलो किए, तो आप ये दोनों कंपनीज का भी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि दोनों ने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं। सो सेल्फ के साथ मतलब खुद का करंट ईयर का प्रॉफिट आप कंपेयर कर सकोगे खुद के पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, अगर आपको पता है कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए थे पिछले साल में, इस साल में, एंड वो स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या पॉलिसीज डिफाइंड है। दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हो, मतलब दो कंपनीज है, तुम्हारी कंपनी कोई और कंपनी, दोनों सेम बिजनेस करती है, यू वांट टू चेक तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर है या दूसरी कंपनी का, तुमको पता है तुम कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो, तुमको पता है दूसरी कंपनी कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, तो तुम इन दोनों के कंपैरिजन कर सकते हो परफॉर्मेंस के, कीपिंग इन माइंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट दे आर फॉलोइंग। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल हेल्प इन कंपैरिजन। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जब मैं लिखता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस दो तरीके का है। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिस बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बात कर ली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा करियर पॉइंट ऑफ व्यू या रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो सुन लो जरा, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो आपने 10+1 से लेकर फाइनल सीए पहुंचने तक थ्रू आउट अकाउंट्स में जो सीखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अकाउंट्स को लर्न किया है। ये टॉपिक जब हम सीखेंगे तभी हम अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे अकाउंट्स लर्न करने में एंड अकाउंट्स अंडरस्टैंड करने में क्या फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सो दैट आपको पता चले कि अब तक आपने सिर्फ अकाउंट्स को लर्न किया है, अकाउंट्स को अंडरस्टैंड नहीं किया है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो आईपीसीसी में आपने कुछ ऐसा सीखा होगा कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो आपने कभी दिखाया नहीं। बट डू यू नो वाई इट इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, नहीं। एक और चीज आपने सीखी होगी गुडविल से रिलेटेड, परचेस्ड गुडविल इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, बट डू यू नो वाई इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब सेल्फ जनरेटेड क्यों नहीं दिखाते परचेस्ड क्यों दिखाते हैं, डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाई, नहीं। तो जिस दिन आपको ये वाई क्वेश्चन का आंसर समझ जाता है, that is the day when you can say you have understood accounts.
टिल नाउ यू हैव लर्न्ड अकाउंट्स, कि सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखाना चाहिए, परचेज दिखाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखाना चाहिए एंड क्यों दिखाना चाहिए ये आपको अब तक पता नहीं है। अच्छा, तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इस टाइप का डिस्कशन होगा? जरूर होगा। ये डिस्कशन कब होगा? गुडविल का, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया, जब हम AS 26 ऑन इनटेंजिबल एसेट्स करेंगे, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों नहीं दिखाया जाता, परचेस्ड गुडविल क्यों दिखाया जाता है। सो दिस इज द गैप दैट वी विल ब्रिज इन अवर लेक्चर्स फ्रॉम लर्निंग अकाउंट्स टू अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स। फाइनल सी एग्जाम पास करने के लिए लर्निंग अकाउंट्स इज नॉट सफिशियंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। समझो किसी कंपनी के पास एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। सो अ गुड एम्प्लॉई, इज ही एन एसेट टू द कंपनी? यस, टैलेंटेड एम्प्लॉई है, कंपनी का एसेट तो हुआ ही। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर एक अच्छा एम्प्लॉई कंपनी का एसेट है तो कंपनी की बैलेंस शीट में हम क्यों नहीं दिखाते मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ऐसी चीजें हम क्यों नहीं दिखाते? इसका प्रॉपर टेक्निकल आंसर आपके पास नहीं है। इसका प्रॉपर टेक्निकल आंसर वाई, लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये आप सीखेंगे जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज द गैप बिटवीन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आज तक आपने लर्न किया है कि कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आनी चाहिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप समझेंगे जब हम ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। बराबर है? सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू या लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तुमको लॉजिक एक्सप्लेन करेगा, ये क्वेश्चन वाई का जवाब देगा। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन, जब आप कहीं पे जॉब करते हो, किसी कंपनी में हो या किसी सीए फर्म में हो, यू विल बी वैल्यूड इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर, इफ योर लॉजिक इज क्लियर, इफ यू नो द रीजन वाई यू आर डूइंग एनीथिंग। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बेसिक्स पार्ट। आप आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, टॉपिक खत्म होने के टाइम, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा ये सब कॉपी करने के लिए, इन केस यू वांट टू कॉपी। एंड पूरा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक भी एंड इसके बाद आने वाले सारे टॉपिक भी हम रिवाइज कर लिया करेंगे आफ्टर द टॉपिक इज ओवर, सो दैट पूरा टॉपिक तुम्हारे माइंड में रिकैप हो जाए, सारे एग्जांपल्स याद हो जाए, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बराबर है? ओके, अभी ध्यान यहां पे, नथिंग टू राइट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट थिंग, कंपल्शन। क्या मतलब है कंपल्शन का? मतलब मैं पूछ रहा हूं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपल्सरी है कि ऑप्शनल है? आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है? दो रीजंस है, ध्यान इधर। पहला रीजन, लॉ, एंड यहां पे मैं कौन से लॉ की बात कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनो, कंपनीज एक्ट कहता है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब स्टैंडर्ड्स फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना काम किसका है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये एक तरह का कंपल्शन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कंपल्शन है, इधर देखो, वेरी सिंपल, ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैव बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। क्या बोला, ऑडिटर हैज टू चेक whether the financial statements have been prepared by the management of the company in accordance with applicable accounting standards or not. मतलब क्या standards follow करना compulsory है? Yes. क्यों compulsory है? दो reason. पहला, companies act कहता है कि management of the company has to prepare financial statements according to applicable accounting standards. And दूसरा, it is the duty of the auditor to check that the financial statements have been prepared by the company in accordance with applicable accounting standards. बराबर है?
अच्छा तो माइंड में क्वेश्चन आएगा, इफ द कंपनी हैज नॉट प्रिपेयर्ड इट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो क्या होगा, देन अंडरस्टैंड, तो फिर ऑडिटर की एक और ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, ही इज सपोज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर ये किस तरह से इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर्स को, वेरी सिंपल, बाय इश्यूइंग अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मतलब he will mention in his audit report that these financial statements have not been prepared according to applicable accounting standards jo companies act mein likha hai ki company ko follow karna hai. acha agar auditor aisa qualified audit report issue karega to kya problem ho sakta hai, very simple hai, shareholders of the company, they are owners of the company, they will question the management of the company ki tumhari duty thi accounting standards follow karke financial statements banane ki, tumne kyon follow nahi kiye, क्या कंपनी में कुछ फ्रॉड कर रहे हो तुम लोग, एंड देयरफॉर शेयर होल्डर्स आर हैविंग द अथॉरिटी, दे हैव द पावर टू रिप्लेस द मैनेजमेंट, दैट मींस एग्जिस्टिंग पीपल हु आर नॉट कंप्लाइंग उनको निकाल के नई मैनेजमेंट टीम अपॉइंट हो सकती है. हेलो, सो समरी ऑफ दिस पॉइंट, फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज इट कंपल्सरी, यस. कैसे कंपल्सरी, बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इट इज ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड दूसरा हमने क्या समझा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड इफ दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऑडिटर की एक और ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, इज सपोज टू इश्यू अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, और इन अदर वर्ड्स इज सपोज टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बराबर है, ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ये तो बेसिक है जिसके बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इंडिया में फिलहाल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वेरी सिंपल, राइट नाउ इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है AS1 टू AS32, जिसमें से AS8 विड्रॉन है. आई रिपीट, AS1 टू 32 है जिसमें से AS8 विड्रॉन है, दैट मींस एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हो गए, 31 हो गए. अच्छा, फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, उसमें 1 टू 29 जो है वो मैंडेटरी है, एंड 30 टू 32 रिकमेंडेटरी थे, दे वर सपोज टू बिकम मैंडेटरी इन फ्यूचर, लेकिन रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने 30, 31, 32 विड्रॉ कर लिए हैं एंड उनके बदले इंड एएस एप्लीकेबल कर लिए. अभी ये जो विड्रॉ हुए उसके बदले क्या एप्लीकेबल हुआ है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी प्रोसीड विद द टॉपिक. सो फॉर द टाइम बीइंग तुम्हें खाली इतना याद रखना है, नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में कितने हैं, एएस 1 टू 32 है जिसमें से एएस 8 इज विड्रॉन, एएस 1 टू एक्सक्लूडिंग एएस 8 इज मैंडेटरी, 30 31 32 इज रिकमेंडेड. बराबर है, ओके. अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेवल्स ऑफ एंटरप्राइज. लेवल्स ऑफ एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है, इधर ध्यान दो, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, क्या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सभी कंपनीज को फॉलो करने होते हैं, नहीं. इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सभी कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, वो कैटेगरीज का नाम है Level 1, Level 2 एंड Level 3, एंड डिपेंडिंग अपॉन कोई कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, यू कैन डिसाइड वो कंपनी को कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, ओके. अब ये जो Level 1 कैटेगरी है, ये स्ट्रिक्टेस्ट कैटेगरी है, मतलब अगर कोई कंपनी Level 1 में आती है तो उसको सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटली एप्लीकेबल होंगे. Level 2 थोड़ी माइल्डर कैटेगरी है, ये कैटेगरी इज ऑफ कंपनीज स्मॉलर देन Level 1 कैटेगरी. Level 1 कैटेगरी में सब बड़ी कंपनीज आती है, कौन सी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज और प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड कंपनीज, या जिसका टर्नओवर एक लेवल से ज्यादा हो, या जिसकी बोरोइंग एक लेवल से ज्यादा हो, एक्सेट्रा. Level 2 इज स्मॉलर कंपनीज कंपेयर टू Level 1, दैट मीन्स अगर कोई कंपनी Level 2 में आती है तो वो कंपनी को कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर अगर कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है तो उसके कुछ कुछ पैराग्राफ्स एप्लीकेबल नहीं होंगे. एंड जो Level 3 एंटरप्राइज है वो सबसे छोटी कैटेगरी है,
दैट मीन्स अगर कोई कंपनी लेवल थ्री में आती है तो वो कंपनी को मेजोरिटी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है उसके काफी पैराग्राफ्स होंगे जो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात बराबर है? ओके अब ये जो मैंने लेवल्स बताए 1, 2, 3 ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है एज अ स्टूडेंट। क्यों काम के नहीं है? इट इज बिकॉज एग्जाम में जो भी कंपनी दी जाती है सम में, तुम्हें ये मान के चलना है कि वो कंपनी लेवल वन कंपनी है। दैट मींस वो कंपनी को सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटली एप्लीकेबल है। दैट मींस ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पे लिखे ये किसके काम के हैं? रियल लाइफ में कंपनीज के काम के हैं इन डिसाइडिंग वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट। फॉर यू एज स्टूडेंट्स ऑल स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज एप्लीकेबल एंड यू हैव टू अज्यूम दैट एनी कंपनी गिवन इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम इज अ कंपनी टू होम ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। बराबर है? ओके एंड अभी लास्ट बेसिक टॉपिक जिसका मैं फिलहाल सिर्फ मेंशन करूंगा, डिटेल्स में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक है जो लेटेस्ट है, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा बट डिटेल में आइडिया शायद नहीं होगा। इंड एएस एंड आईएफआरएस। तो ये इंड एएस क्या टॉपिक है, आईएफआरएस क्या टॉपिक है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है, तुमको एज स्टूडेंट एप्लीकेबल क्या है क्या नहीं है, कितना डिटेल में एप्लीकेबल है, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस। क्यों टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस? वेरी सिंपल है, ये टॉपिक्स में हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप वो डिफरेंसेस का लेक्चर तो समझ पाओगे only if you are first aware of what our accounting standards are saying. So right now मैंने सिर्फ ये topic का mention किया है to give you an idea कि जब हम आगे पढ़ेंगे syllabus में कि ये एक extra topic है जो हमें cover करना पड़ेगा। And for your information May 16 exam में IND AS related कुछ चीजें institute ने applicable की है। So when we proceed I will explain to you in detail exactly May 16 exam में इंडियस रिलेटेड क्या एप्लीकेबल है एंड क्या एप्लीकेबल नहीं है। बट एज फार एज द बेसिक्स आर कंसर्न दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो अभी एक काम करता हूं, मैं आपको 5 मिनट देता हूं, आपको इसमें से कुछ भी नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपको एक रिकैप दे दूंगा ये टॉपिक का एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बराबर है? सो 5 मिनट्स टू नोट डाउन एनीथिंग दैट यू वॉन्ट। अगर आप कुछ भूल गए हो एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा डोंट वरी, इसमें से जो नोट करना है वो कर लो। मैं 5 मिनट बाद आपको एक रिकैप दे दूंगा जिसमें एग्जाम्पल्स भी याद दिला दूंगा, सो दैट एट दैट टाइम यू कैन नोट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। एवरीबडी क्लियर है? ओके 5 मिनट्स।
हाँ जी बच्चों, आपने नोट कर लिया? ठीक है, तो ये टॉपिक कंक्लूड करने के पहले, बेसिक्स कंक्लूड करने के पहले एक रिकैप ले लेते हैं। क्या क्या सीखा हमने यहाँ पे? सबसे पहले व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, हमें सिंपल वर्ड्स में समझना है। टेक्निकल डेफिनेशन में क्या आएगा? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, बराबर है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, किसी और कलर की पेन से लिखता हूं, याद आ जाएगा। एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल दिया था? अमूल बटर के पैकेट का, कि स्टैंडर्ड 100 ग्राम पैकेट ऑफ अमूल बटर। हेलो, इसका मतलब क्या होता है? एवरी 100 ग्राम पैकेट ऑफ अमूल बटर विल हैव द सेम शेप, साइज, टेस्ट, कलर, वेट एक्सेट्रा, बराबर है। तो वर्ड स्टैंडर्ड का मतलब हो जाता है टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था जनरल मीनिंग तो अपने माइंड में आने लगता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, बराबर है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पर्पस के लिए अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? 5 चीजें, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड? टू मेक थिंग्स आइडेंटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग? ये 5 चीजें। एंड देयरफॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या इंश्योर करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल इंश्योर दैट सभी कंपनीज ये 5 चीजें आइडेंटिकल तरीके से करें। एंड ऑटोमेटिकली अगर सारी कंपनीज ये 5 चीजें आइडेंटिकल तरीके से करेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल होंगे, या टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने क्या कहा था? दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी सेट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, बराबर है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज हमने क्या समझी थी? कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता हो तो उसका एडवांटेज क्या है, या लॉजिक क्या है। तो क्या था ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लॉजिक? मैंने कहा था दो ऑब्जेक्टिव्स है, या दो एडवांटेज। पहला, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेटर। अगर तुमको याद हो, यहां पे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, किस चीज का एग्जांपल दिया था? वो टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट का, नैनो का क्लोजिंग स्टॉक, 2 नैनो कार, अमाउंट 1,60,000 था। एंड मैंने पूछा था कि अगर वो बेच रहे 1 लाख पर कार, तो 2 गाड़ी का अमाउंट 2 लाख क्यों नहीं है, 1,60,000 क्यों है? तो ये 1,60,000 क्या था? कॉस्ट था। एंड सिंस इट इज देयर क्लोजिंग स्टॉक, हाउ देयर वैल्यू इज कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। लेकिन तुमको ये 1,60,000 समझ में क्यों आया, तुमको क्यों डाउट नहीं आया? इट इज बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच गोज इन टू इट्स वैल्यूएशन। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? AS2 की। So, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, इट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड दूसरा, मैंने कहा अगर स्टैंडर्ड्स आपको आते हैं, देन यू कैन डू कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। एंड कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके का होता है, कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस खुद के पिछले साल के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, या दूसरा कंपनी का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, बराबर है। ओके, फिर तीसरी चीज हमने डिस्कस की, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड इंपॉर्टेंस दो तरीके से, पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 64 to 80 marks आउट ऑफ टोटल 800 marks ऑफ फाइनल ईयर, 1/10 ऑफ द टोटल मार्क्स टू बी टेकन, इस एक टॉपिक पे आते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस हुआ। एंड बाद में मैंने करियर या लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कहा था इंपॉर्टेंस क्या है। क्या था इंपॉर्टेंस? आई रिमाइंड यू, यहां पे हम सीखेंगे आंसर टू द क्वेश्चन वाई फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें फाइनल सीए में सीखना है फर्क, किस चीज के बारे में फर्क सीखना है, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अकाउंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स। वहां पे मैंने तुमको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, वो गुडविल वाला, सेल्फ जनरेटेड नहीं दिखाते हैं, परचेस दिखाते हैं। एंड बाद में मैंने पूछा था क्यों नहीं दिखाते एंड क्यों दिखाते, ये क्वेश्चन के आंसर्स, इस तरह के डिस्कशन हम करेंगे जब हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, बराबर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ऑप्शनल है या कंपलसरी है। अपना आंसर क्या था? फॉलो करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? दो रीजन। पहला रीजन, कंपनीज एक्ट में लिखा है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड दूसरा हमने क्या कहा था? इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड
according to applicable accounting standards or not. And if they have not been prepared according to applicable standards, तो auditor की एक और duty आ जाती है. क्या duty? He is supposed to mention, he is supposed to inform the shareholders of the company that the management has not complied with this. How the auditor is supposed to tell the shareholders? By issuing a qualified audit report. And अगर auditor qualified audit report issue करता है, तो उसके consequences क्या होंगे? The shareholders can question the management and if required, can even replace the management. बराबर है? Okay. Next हमने क्या discuss किया था? India में कितने accounting standards है? तो मैंने कहा फिलहाल AS 1 to 32 है, जिसमें से AS 8 तो withdrawn है, AS 1 to 29 mandatory है, 30, 31, 32 recommendatory थे, लेकिन recently institute ने 30, 31, 32 withdraw कर लिए हैं, और उनके बदले कुछ नए Ind AS applicable किए हैं, जो हम discuss करेंगे, जब ये last topic का discussion होगा, which will mainly be towards the end of the syllabus. Okay, next मैंने कहा levels, तो यहाँ पे हमने क्या discuss किया था, याद करो कि इंस्टीट्यूट ने सभी कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लेवल 1, 2, 3. लेवल 1 मतलब जनरली बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जिसका टर्नओवर एक लेवल से ज्यादा हो, बोरोइंग्स एक लेवल से ज्यादा हो, एक्सेट्रा. बराबर है? लेवल 2 कंपनीज लेवल 1 से छोटी होती है, लेवल 3 कंपनीज लेवल 1 एंड 2 से छोटी होती है. ये लेवल्स किसके काम के थे? मैंने कहा रियल लाइफ में कंपनीज के काम के है, टू चेक वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट. ये लेवल्स तुम्हारे किसी काम के नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड्स फुल्ली एप्लीकेबल होंगे, एंड जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम के क्वेश्चन में जो भी कंपनीज दी गई है, आपको मान के चलना है वो कंपनीज को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटली एप्लीकेबल है. एंड आखिरी टॉपिक जो मैंने सिर्फ मेंशन किया था, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, ये टॉपिक है Ind AS या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन शॉर्ट नोन एज IFRS. ये टॉपिक के ऊपर हमारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस. बराबर है? इसी के साथ अपना पहला टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म होता है. इसके बाद हम जाएंगे इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये बेसिक्स ध्यान में रखना, तो जो एक्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे उसका अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे मन में बेटर होगा. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते टाइम भी कभी कभी इन बेसिक्स का रेफरेंस मैं दिया करूंगा. बराबर है? ओके, थैंक यू वेरी मच.